कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे, यानी बीए तृतीय वर्ष में इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, यानी प्रश्न पत्र जो है प्रथम है, और इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर जो है वो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो आज टॉपिक है हम लोगों का सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के सिद्धांत, यानी जो सल्तनत काल में जो शासन व्यवस्था थी वो उसके सिद्धांत क्या थे, वो किन सिद्धांतों के द्वारा संचालित होती थी, इसका अध्ययन करेंगे। अब देखिए अध्ययन के पीछे उद्देश्य क्या है, तो जो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था है उसके सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करना। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पर, तो जो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था है, तो इससे पहले हम लोग जाने कि जो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था है ये मुस्लिम शासन व्यवस्था पर आधारित है, यानी मुस्लिम शासन व्यवस्था है जिसका जो कुरान हदीस इजमा कयास पर आधारित है, यानी जो उसमें सिद्धांत है उसी के आधार पर यह संचालित होता है। और माना यह जाता है कि जो आरंभिक इस्लामिक शासन पद्धति है उसमें शासन व्यवस्था के बारे में, यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम की स्थापना की तो जो राजनीतिक सिद्धांत है वो विकसित नहीं हुए थे, लेकिन बाद में जब क्षेत्रगत विस्तार हुआ इस्लाम का और बड़े पैमाने पर जब इसका कड़ी मतलब इसमें क्षेत्र शामिल हुए, तो फिर जो समाज है और उन क्षेत्र पर जहाँ विजय किया गया था इस्लाम के द्वारा, शासन व्यवस्था यानी स्थापित करने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। जब प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो आरंभिक अवस्था में ये माना गया कि जो भी कुरान है, जो कुरान है वो समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उसके समाधान का एकमात्र उपाय है, यानी कुरान के सिद्धांतों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था भी कायम की जा सकती है। लेकिन जब ज्यादा इस्लाम का प्रसार हुआ तो फिर ये लगने लगा लोगों को कि जो इस्लाम कुरान है इस समय और परिस्थितियों के अनुसार इसके अनुसार जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संचालित नहीं की जा सकती, ऐसे में इसमें नए नए सिद्धांतों को जोड़ा गया, जो मुस्लिम धर्म शास्त्रकारों ने नए नए सिद्धांत इस्लाम में शामिल किए राजनीति के, तो वो कहीं कहीं इस्लाम के सिद्धांत बन गए, और उन्हीं के आधार पर बाद में जब भारत में भी तुर्की शासन स्थापित हुआ तो उन्हीं सिद्धांतों के सहारे भारत में शासन आरम्भ किया। तो जब आरम्भ किया गया तो वही सिद्धांत भारत में या सल्तनतकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके सिद्धांत कहलाए। अब वो सिद्धांत क्या है कि जैसे धर्म प्रधान राज, तो हम कह रहे हैं कि जब इस्लाम का मानना ही है जो सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था है उसका मानना यह है कि जो शासन व्यवस्था का जो मूल है वो कुरान है, और कुरान है, और फिर जो इजमा कयास हदीस ये सब जो इस्लामिक कानून है वो उसका आधार है, तो जाहिर सी बात है कि जो शासन होगा वो धार्मिक सिद्धांतों से ज्यादा प्रभावित होगा। हालांकि ये तो अगर देखें तो अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे शासकों ने कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष चरित्र शासन का विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः वो सफल नहीं हुए, और पूरे सल्तनत काल में जो शासन व्यवस्था है उसका चरित्र धार्मिक ही अधिक रहा, धर्म निरपेक्ष कम रहा। क्यों? क्योंकि इसका आधार क्या है, कुरान है, तो कुरान है, हदीस है, शरीयत है, तो जाहिर सी बात है कि ये धार्मिक ग्रंथ भी है और राजनीतिक सिद्धांत भी इसमें नहीं थे। दूसरी चीज, समय के साथ हनीफ, सलफी, मलिक, अबू यूसुफ और मावर्दी जैसे मुस्लिम जो धर्म शास्त्रकार थे, जैसे भारत में जो या गोलक हैं, मनु हैं, या तमाम जो स्मृतकार थे, जो धर्मशास्त्रकार थे, उसी तरह इस्लाम में भी ये लोग धर्मशास्त्रकार हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार इस्लामिक राजनीतिक सिद्धांतों का निरूपण किया। तो कहीं कहीं ये भी उसका आधार था, यानी जो भारत में सल्तनतकालीन व्यवस्था है। दूसरी चीज, मुस्लिम समाज के लिए एक सम्राट की व्यवस्था थी, क्योंकि कुरान में माना जाता है, कुरान के अनुसार जो पूरी दुनिया है उसका एक वास्तविक और एकमात्र मालिक अल्लाह है, यानी अल्लाह ही बादशाह है, वही मालिक है, उसके अतिरिक्त और कोई मालिक ही नहीं। अब वह जो अल्लाह है
वह अपने संदेश दूत के माध्यम से वह संदेश अपने दूतों तक पहुंचाता है, यानी दूत मतलब प्रतिनिधि होता है जो ये पृथ्वी पर उसका रिप्रेजेंट करते हैं, उसके विचारों को, उसके सिद्धांतों को। तो दूत दूसरों तक पहुंचाने यानी जो उसके संदेश हैं उसको जो इस्लाम के जो दूत हैं यानी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग पूरे विश्व में फैलाते हैं, यानी उसके संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं। तो अल्लाह का जो अंतिम संदेश प्राप्त हुआ था वो पैगंबर मोहम्मद साहब के पास पहुंचा, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ही अल्लाह के दूत होंगे। तो इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह के संदेशों को विश्व में प्रसारित करने का प्रयास किया। अब ये कर रहे हैं कि चूंकि पैगंबर के विचार अल्लाह के विचार पैगंबर द्वारा प्रसारित किए जाएंगे तो अल्लाह के विचारों की डिनाई पूरा मुस्लिम समाज नहीं कर सकता, यानी उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। तो उसी तरह पैगंबर या जो इमाम हुए इस्लाम में या शासक हुए उनके भी आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अगर उसके आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे अल्लाह के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस तरह कहीं कहीं जो पैगंबर हैं या इमाम हैं या जो खलीफा हैं वो पैगंबर के संदेश को विश्व में लागू करने का प्रचार प्रसार का काम करते हैं और उनकी आज्ञा को मानना पूरे समाज के लिए आवश्यक है। अब ये कह रहा है कि पैगंबर आदेश मानने के बराबर है, अगर पैगंबर का आदेश मानते हैं तो उसे अल्लाह का आदेश माना जाएगा कि आप अल्लाह के आदेश को मानते हैं। अब कह रहा है कि खलीफा के जो काल है उसमें साम्राज्य विस्तृत हो गया, यानी जब इस्लाम का बड़े क्षेत्रों पर प्रसार हुआ तो अब खलीफा की क्षमता से बाहर हो गया कि सभी क्षेत्रों पर वो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर सके। तो जो दूरस्थ क्षेत्र थे वहां खलीफा ने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जिसे हम कहते हैं गवर्नर, या बाद में देखेंगे उनसे सुल्तान। तो सुल्तान का विकास हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन जो अलग अलग क्षेत्रों में जो स्वतंत्र मुस्लिम शासक हुए उन्हें गवर्नर मान लिया, यानी खलीफा ने उन्हें मान्यता दे दिया अपना प्रतिनिधि सुल्तान। अब हम देखते हैं कि आज्ञा पालन करवा, तो खलीफा के लिए आवश्यक था या इमाम के लिए आवश्यक था कि जो धर्म पवित्र धार्मिक निर्देश हैं उसी के अनुसार शासन करे। अगर उसके अनुसार शासन नहीं करता है, अगर शासक धार्मिक जो निर्देश हैं उसके अनुसार अगर शासन नहीं करता है तो अल्लाह उसे दंड देगा, और जनता को भी ये मुस्लिम धर्म शास्त्रकारों ने अधिकार दिया तो उसे वो पद से हटा सके। दूसरी चीज उलेमाओं का प्रभुत्व, तो जो उलेमा है बड़े महत्वपूर्ण है सर्वकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में या इस्लामिक शासन में, क्योंकि ये लोग धर्म इस्लाम धर्म की व्याख्या करते हैं। तो अगर व्याख्या करते हैं तो इस्लामिक समाज और शासन दोनों पर एक प्रभाव रखते हैं। इनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है जो आगे टॉपिक में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अब कह रहे हैं कि जो राज्य की आय है उस पे, यानी जो राज्य को जो कर प्राप्त होता है उस राज्य उस कर पे सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य को एक अधिकार है, लेकिन आप देखेंगे कि व्यवहारिक रूप से सुल्तान इसको अलग अलग कार्यों में भी व्यय करते थे, यानी अपने व्यक्तिगत युद्ध में इसका ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अब देखें सुल्तान या इमाम का निर्वाचन, तो जो इस्लामिक शासन व्यवस्था है इसमें शासकों के निर्वाचन की परंपरा रही है, यानी मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के मृत्यु के बाद जो खलीफा होते थे उनका चुनाव होता था, और चुनाव यानी निर्वाचन होता था और उसी को शासन सत्ता या राजनीतिक प्रभुसत्ता सौंपी जाती थी। तो अब क्या होता था कि ये जो चुनाव था शासक या इमाम का, सुल्तान इमाम का अर्थ होता है राजनीतिक नेता, ध्यान दीजिएगा इमाम का मतलब राजनीतिक नेता। तो इमाम का चुनाव मिल्लत नामक संस्था करती थी। अब मिल्लत नामक अगर संस्था कर रही है तो ये माना जाता था कि जो मिल्लत है किसी एक सच्चे मुसलमान को प्रभुसत्ता आरोपित कर देती थी, यानी उसे शासक के रूप में स्वीकार कर लेती थी। दूसरी बात, आगे थोड़ी सी बात बढ़ी समय के साथ तो ये हुआ कि जनता द्वारा निर्वाचन संभव नहीं है, यानी ये सुनी भ्रातृ भावना के पर आधारित आई वाली व्यवस्था
लेकिन बाद में क्या हुआ कि थोड़े से सभी चुनाव यानी सुल्तानों का निर्वाचन या इमाम का निर्वाचन संभव नहीं रहा और व्यवहारिक होता गया। तो फिर ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति या 50 व्यक्ति कोई भी अगर किसी को अगर एक व्यक्ति द्वारा चुना जाए या 50 व्यक्ति के द्वारा भी अगर कोई चुना जाता है तो उसे शासक मान लिया जाएगा या मान लीजिए कि शासक मान लिया जाएगा या थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाया गया तो ये हुआ कि खलीफा अपना उत्तराधिकारी स्वयं मनोनीत करने लगे यानी अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर देते थे। अब दिल्ली सल्तनत में देखेंगे तो इल्तुतमिश ने भी अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। तो थोड़ा सा जो जनता यानी सुल्तान का जो चुनाव की प्रक्रिया है निर्वाचन की प्रक्रिया है कहीं न कहीं बाद में शिथिल हो गई और हम देखें कि जो खलीफा बनता था तो ये मान लिया गया कि अगर ये भी प्रक्रिया संभव नहीं है तो ये मान लिया गया कि अगर कोई सुल्तान बनता है या खलीफा बनता है तो उसका नाम अगर खुतबे में शामिल कर लिया जाए जो धार्मिक प्रवचन था उसमें अगर शामिल कर लिया जाए तो भी उसे शासक मान लिया जाएगा या चुना हुआ मान लिया जाएगा। अगर किसी का नाम खुतबे में शामिल कर लिया जाए तो उसे निर्वाचित शासक मान लिया जाएगा या मान लीजिए उसके दरबारी उसके प्रति अभिवादन प्रकट करते हैं तो भी वो जनता के द्वारा चुना मान लिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसको पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न राइज होते हैं जो परीक्षाओं में पूछता भी है। जैसे अल्लाह का दूत किसे कहा जाता है? पैगंबर, अमीर, कोई नहीं, उलेमा। यानी इसमें पैगंबर को हम कह सकते हैं कि जो अल्लाह के दूत हैं कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। इमाम किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक नेता को कहा जाता है। मावर्दी कौन है? ये मुस्लिम धर्म शास्त्रकार है। और कितने लोगों द्वारा निर्वाचित एक सुल्तान माना जाता था? तो 50 मिल्लत और एक सभी के द्वारा। धन्यवाद, थैंक यू।